हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है ये जॉब के लिए 9 to 5 टेम्पटेशन और लूट, ये मैंने लिखा कि जो 9 से 5 की ड्यूटी करना चाहते हैं, जैसे मैं पहले बैंक में काम करता था, चलो हमारी 9 से 5 नहीं 10 से 5 होती थी, वो एक टेम्पटेशन है या आपकी लूट होती है, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि कोई बंदा जब जॉब करता है उसकी एज रहती है एज ऑफ गेटिंग जॉब 22 से 30 साल के आसपास। कोई ये अलग बात है कि कोई 21 का भी भर्ती हो सकता है और कोई 30 प्लस का भी भर्ती हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक नोशनल एक आइडिया से ले ली है कि 22 से 30 साल में होता है। और दूसरा मैंने लिखा सुपर एनुएशन एज जो है, सुपर एनुएशन एज क्या है, ये एज लिखना है, सुपर एनुएशन एज 58 से लेके 60 साल तक है, ये 58 ईयर से लेके 60 ईयर तक जाएगा। फिर जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है लगभग 75 साल, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कोई बंदा 75 साल में ही मर जाएगा, कई तो 90-95 के बैठे हैं और कई उससे पहले 60-62 में ही चले जाते हैं। थोड़ा मतलब एक जो हम एक आइडिया मतलब लिया है कि 75 साल है, और वर्किंग पीरियड हमारा हो गया 35 से 40 साल में। यदि 22 साल का बंदा भर्ती हो जाए और 58 साल में रिटायर हो जाए तो उसको 36 साल देगा वो, और इसी तरीके से यदि ये मतलब 22 साल का हो जाए और 60 साल का रिटायर होगा तो 38 साल हो जाएंगे, लगभग 35 से 40 साल वो देता है। अब इसमें प्रलोभन क्या है, जो टेम्पटेशन ऑफ रिटायर्ड लाइफ, लोग ये कहते हैं जी बड़ी नज़ारे वाली ज़िंदगी है, नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, ये है वो है, रिटायरमेंट बेनिफिट लेना 15 साल के लिए। अब ये देखो 22 साल से शुरू करके 58 साल तक चले गए, 75 साल तक आ गए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 35-40 साल काम कर लिए और 15 साल के लिए आपने इन्जॉयमेंट किया। ये इसमें ये नहीं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, अमीर हो, ये क्योंकि आप लोग और किसी कंपनी के लिए या सरकार के लिए काम कर रहे हो तो आपको लिमिटेड मनी वहाँ मिलती है। मान लो 50,000, 60,000, 70,000 मिलता है, ठीक है 60-70,000 रुपया देखने में तो लगता है कि काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो मैंने नोशनल इनकम डाटा दिया था वो ये है कि 1940 में 10 रुपये से शुरू करके 1960 में फिर 100, मतलब 20 साल में 10 गुना सैलरी बढ़ेगी, इसकी इनकम बढ़ेगी ये, और 2000 में आ गया 10,000 और 2020 में आ गया 1,00,000। तो 2020 में 1,00,000 रुपया कमाने वाला बंदा उतने पैसे कमाएगा जो 1940 में 10 रुपये कमाता था। तो इसका मतलब ये कौन थे लोग जो पटवारी लगे होते थे, क्लरिकल जॉब में थे, फौजी भाई थे, टीचर लगे हुए थे, कोई पुलिस के कांस्टेबल थे, ऐसे ऐसे बंदे, क्या हम इनको अमीर आदमियों की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं। यदि नहीं रख सकते तो ये हमें 9 से 5 का जो प्रलोभन दिया जाता है कि 9 से 5 वाली ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, क्यों बढ़िया है कि हमें जाते तनख्वाह, हर महीने तनख्वाह मिल जानी है जी, छुट्टियाँ मिल जाती हैं, और मिल जाते हैं, ये सब कुछ मिलता है, लेकिन क्या आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी पाते हो? यदि आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी पाते तो फिर इसका मतलब ये आप लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज़ जी रहे हो, आप जिंदगी में समझौते करके जी रहे हो। समझौते करने का मतलब यही है कि आपको ये जो दिखाया जाता है 15 साल का, ये 15 साल का भी कहीं नहीं ले पाते। मैंने ऐसा देखा है रिटायरमेंट के बाद जो आदमी कहीं बिजी नहीं है, कोई और साइड में काम नहीं करते या अपने आप को बिजी नहीं रखा, बिजी रखने का मतलब है कोई भी एक्टिविटी करें, ये जो नहीं करते सिर्फ 10 से 5 ऑफिस जाते हैं और उसके बाद वो रिटायरमेंट में वो 24 पेंशनें नहीं ले पाते, वो मतलब 2 साल के अंदर अंदर राम नाम सत हो जाता है उनका। तो राम नाम सत होने के बाद ये जो 15 साल की हमें इसके लिए कराए, तो इसका मतलब हमने पूरी की पूरी ज़िंदगी किस तरफ लगा दी, एक ऐसी जगह पे लगा दी जहाँ हमारा सिर्फ गुजारा तो हुआ है लेकिन हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सके। तो हम यदि अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकते तो भाई हम तो इंसान हैं ना,
भेड़ बकरी का काम तो है नहीं कि भेड़ बकरी की तरह मतलब संसार में आए और चले गए। ये 9 to 5 जो है ये बहुत बड़ी आपके साथ बहुत बड़ा मतलब एक गलत नोशन के ऊपर हुआ हुआ है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और कर रहे हैं, LIC में हैं, बिजली बोर्ड में हैं, कोई और लगे हैं, हो सकता है वो मेरे साथ इसकी बात के लिए मेरे को दोषी ठहराएं कि यार ये बंदे का दिमाग ख़राब हो गया, इसने आप तो ये नौकरी छोड़ दी, हमारी भी छोड़ने के चक्कर में है। मैं कहता हूँ नौकरी छोड़ो या ना छोड़ो, सोचना तो बनता है यार। आपने पूरी ज़िंदगी 35 से 40 साल पूरी जवानी जो टॉप का आपका गोल्डन पीरियड था आपने गवर्नमेंट को दे दिया या ऐसे डिपार्टमेंट को दे दिया जिसने आपको क्या दिया है, सिर्फ आपको मरने नहीं दिया। जब आप मरने की कगार पर जाते थे तो मंथ के एंड में वो पानी का चमचा आपके मुंह में डाल के आपको बचा लेते थे और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कोई भी है, जितनी भी टेम्पटेशन जितनी मर्जी रही हो, लेकिन जो ये जॉब वाले हैं, यदि आप हम उनसे बात करें, जॉब वालों से बात करें, तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड नज़र आएंगे, मतलब दुखी नज़र आएंगे कि यार कुछ नहीं बनता। हाँ, लेकिन उनके पास कोई, उन्होंने बड़ा काम करना नहीं चाहते या किया नहीं, तो उनके पास फिर यही है कि यार बहुत बहुत अच्छा है, सरकारी जॉब मिली हुई है, मज़े कर रहे हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाती, ये हो जाती। छुट्टी तो ठीक है, छुट्टी भी है आपको मिलती है और लीव एनकैशमेंट भी हो गई और ग्रेच्युटी भी होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जो है उससे अलग हो रहे हो, अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी सकते। इसके बाद एक और लूट आती है इसमें, यदि हम 9 से 5 वाली जो बात करें, 9 से 5 में लूट क्या है वो? कई बार मैंने ये देखा है कि आदमी 0 पैसे पे काम कर रहे हैं। 0 पैसे पे कैसे? कोई सपोज इनमें ये बंदे जो इनके 50 साल की उम्र हो, 50 साल, और इनकी 60,000 रुपये सैलरी हो और इनकी पेंशनेबल जॉब हो, तो ये 50 साल की उम्र में जाके फिर ये फ्री काम करना शुरू कर देते हैं। आप कहोगे फ्री कैसे? फ्री ये है, या 50 साल की उम्र तक बंदे का लगभग 40 लाख रुपए के आसपास फंड हो जाता है, यदि उसकी सैलरी 60,000 रुपये हो, ये 40 लाख रुपया लगा लो। और यदि पेंशनेबल जॉब है तो ये भी तकरीबन इनको 50% मिल जाती है, मैं कह रहा हूँ 50 नहीं जी 40% भी मिल जाए तो भी 24,000 रुपये पेंशन मिलेगी इनको। और ऑफिस में जाते हैं, रोज जाना है, रोज जाने का, यदि कार से जाते हैं जो 60,000 रुपये में है, 60,000 रुपये ले रहा है, उसने कार भी जरूर रखी होगी, तो कार में जाने का मिनिमम खर्चा 500 रुपये भी लगा लो तो 15,000 रुपये महीना खर्चा भी होता है उसका, एक्सपेंसेस है जो 15,000 पर मंथ ये लो। अब देखो यदि आदमी 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ले, 40 लाख रुपए कैश ले ले, तो इसको 7% के हिसाब से FD करवा दे तो इसकी 23,333 रुपये महीने का ब्याज बनता है, इसका महीने का ब्याज बन गया। अब ये इसको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है तो 15,000 रुपये इसमें ऐड कर लो, यहाँ आ जाते हैं हम, ये 23,333 प्लस जो 15,000 रुपये जो इसका जाने आने का खर्चा है वो बंद हो गया, ठीक है जी। और ये पेंशन है, यदि हम पेंशन 24,000 रुपये लगाइए इसकी, कि यदि 24,000 रुपये पेंशन इसको मिल जाती है और 24,000 रुपये और मिलना इसको शुरू हो गया, तो ये 3, 5, 8, 4, 12 तो 62,000 रुपया तो इनको बैठे बैठाए मिलने वाला है। यदि आप ढंग से इसको पैसे को प्लान करके चले, मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ये नहीं कि आपके पास 40 लाख रुपये आ गया आपने उड़ा दिया, यदि आप 40 लाख को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लो और 24,000 रुपये महीना आपको पेंशन मिल जाए, ये 24,000 रुपये पेंशन मिल जाए, 15,000 रुपये ये खर्चा बचा लो, तो आप 62,000 में सैलरी कितनी बताई मैंने, 60,000 रुपया, तो इसका मतलब ये है कि नौकरी 50 साल के आसपास नौकरी करने वाला जो पेंशनेबल जॉब है जिसकी, वो अपने पास से पैसे डाल के जो है गुजारा कर रहा है, मतलब नौकरी कर रहा है वो। सो हमने ये यार करो या ना करो बाद की बात है, आपको ठीक लगे इस वीडियो के बाद नौकरी कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ सोचना तो बनता है,
सोचना तो जरूरी है ना यार, सोच तो लो एक बार। मैं कह रहा हूँ सिर्फ, मेरे कुछ नहीं आपको कहना चाहता, मैं आप में थिंकिंग हैबिट्स को डेवलप करना चाहता हूँ। आप चाहे जीरो में पैसे पे करो काम, 2000 रुपया पल्ले से दे के करो या 60,000 रुपया लेके काम करो, कोई बात नहीं। और कैलकुलेशन तो करनी बनती है। जिस बंदे के पास कैलकुलेशन नहीं है वो बंदा बहुत पीछे चल रहा है। अब किसान भाइयों के ला लो, किसान भाइयों का जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब पीछे रहने का कारण यही है कि कैलकुलेशन की कमी है। कोई भी, यदि हम ज़मीन कोई आज लेते हैं, चलो जिनकी अपनी जद्दी ज़मीन है वो तो बात अलग है, यदि हम ज़मीन ले 30-35 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन मिलती है पंजाब में खेती लायक, और एक साल में फसल हमारी कितनी है 50,000 रुपये की, इसका मतलब ये हो गया हम 60 साल तक वो पैसे को, अपने पैसे को रिकवरी नहीं कर पाते। इससे ख़राब बात क्या हो सकती है। सो हमने कैलकुलेशन जरूर करनी है। मैं रियल स्टेट में भी कहता हूँ कैलकुलेशन करनी है, दूसरे फील्डों में भी कैलकुलेशन करनी है। आपने मत्था मारना शुरू करना है यार, कैलकुलेशन जरूर करनी है। आप कैलकुलेशन कर लोगे तो कम से कम आपको कोई बंदा बुद्धू तो नहीं बनाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपको कोई बंदा बुद्धू ना बनाए तो आपने ये कैलकुलेशन जो वाला पार्ट है इसको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर है, हो सकता है जैसे मेरी कमज़ोर थी, तो आपने यदि कमज़ोर है तो अपने अपने दोस्त ऐसे बनाने जिनकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बैठना है, उनसे सीखना है, उनसे उनके साथ डिस्कस करना है। यदि आप ये बातें डिस्कस कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी जो कॉन्फिडेंस मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी आरामदायक हो सकती है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सामने वाला बंदा मेरे को उल्लू नहीं बना सकता। सो दोस्तों आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना। कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है आप मेरे साथ सहमत भी ना हो, हो सकता है कमेंट में आप कोई मेरे को बुरा भला बोलो इसमें, लेकिन सच्चाई यही है। कमेंट बॉक्स में आप जाके इसके कोई नए सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो लिख सकते हो, इस वीडियो के बारे में अपनी राय दे सकते हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, इस तरीके की वीडियो आपके पास आती रहे। आज के लिए इतने, बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। राजवंश सिंह मोहाली, थैंक यू वेरी मच।